वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व पार्षद जगन डागर ने अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर सभी से ये आह्वान किया कि इस विपदा की घड़ी में हमें एकजुट होकर इस संकट से उबरना है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया था। जगन डागर ने बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो और उनकी पूरी टीम जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने में निरंतर जुटी हुई है ताकि कोई भूखा न सोए। उन्होंने बताया कि हम प्रतिदिन 2 से 2500 लोगों को भोजन वितरित करते हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए सभी लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी करवाते हैं और मास्क भी वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने पर भी उनकी टीम इसी प्रकार आगे भी असहाय लोगों को भोजन वितरण करती रहेगी। इस कार्य में जगन डागर के साथ राजेश आर्य, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी राजस्थान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस नारायण डागर, जोगिंदर पहलवान, नरेंद्र कुमार, रेजिडेंट वेलफेयर काउंसिल सेक्टर 55 शिवांग, आरसी शर्मा, डब्बू तायल, दुष्यंत अनूप, कुलदीप त्यागी, मास्टर सुदामा, अनिल पोसवाल, छगन मास्टर, राजेंद्र प्रसाद आदि गणमान्य लोग शामिल रहे। कि आज वास्तव में एक जो हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो ये कोरोना की महामारी है, इससे भी बड़ी महामारी जब हमारी टीम ने ये भोजन व्यवस्था का काम शुरू किया कि भाई हम सब गरीब भाइयों को भोजन व्यवस्था कराएंगे, तो हमने देखा कि भाई इस महामारी से भी बड़ी लोगों की भूख है। और हमारी पूरी समस्त टीम ने ये कहा कि भाई हम एक एक बंदे को भोजन व्यवस्था कराते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है, तो लोगों को वास्तव में आज भोजन की ज़रूरत है और आज वास्तव में हमें इन सब भाइयों को भोजन कराना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पहले तो हम जब भोजन शुरू कराते हैं तो एक भाई हमारा अपना सैनिटाइजर लेके खड़ा हो जाता है, तो वो सबको सैनिटाइजर कराता है, सबको पहले बच्चों के हाथ पे सैनिटाइजर दे रहा है और उसके बाद एक भाई हमारा मास्क देता है, फिर वो मास्क दे के हर उसको सैनिटाइजर करा के जब हमारी भोजन व्यवस्था ये आके शुरू आके उनमें भी आप देख रहे हो हर भाई पे ग्लव्स हैं, हर भाई के मास्क लगा हुआ है। पहले हम सैनिटाइजर कराते हैं, फिर मास्क देते हैं, फिर आगे भोजन वितरित करते हैं।